हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के सचिवालय में वंदे मातरम पर रोक के बाद से बीजेपी सड़कों पर है। देशभक्ति के नारों के साथ बीजेपी कार्यकर्ता भोपाल की सड़कों पर है, लेकिन अब जब आज तक संवाददाता रवीश पाल ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से वंदे मातरम गाने को कहा तो कईयों के सुर अटक गए। मैं जी गाता रहा हूं, ये पढ़ रहा हूं, अभी मैं देख रहा हूं। आपको नहीं आता था? नहीं आएगा ना, क्यों नहीं आएगा? देख रहे हैं उसको वीडियो में, तो वही तो मैं देख रहा हूँ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, बोलो भारत माता की। लेकिन ऐसा तो नहीं है, अभी तो और भी है आगे। हाँ आगे है, भी एक बार नहीं अभी, आज इतने ही। लेकिन ऐसा तो नहीं है, अभी तो और भी है आगे। हाँ आगे है, वो भी एक बार गा के बता दीजिए। नहीं थे यहाँ पे, अभी आज इतना ही, फिर कभी मौका मिलेगा तो पूरा गाएंगे। वंदे मातरम सुफलाम यामलाम मातरम, टूटा फूटा गाया आधा, बीच बीच में से कई गायब। नहीं यही है, तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए, इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तुम्हें मोदी जी की कसम, कमेंट जरूर करोगे। और हाँ दोस्तों, काम नहीं कारनामे बोलते हैं।